वेलकम टू माई YouTube चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलाता हूँ अपने डॉग से, जो कि एक बुल मैस्टिफ डॉग है, आपने देख ही लिया, और उसका नाम है टार्जन। तो आज के इस वीडियो में हम वो सभी बातें करेंगे जो कि एक बड़े बुल मैस्टिफ डॉग को देख के दिमाग में आती हैं, पर अगर कुछ रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पहला जो सबसे कॉमन सा क्वेश्चन आता है दिमाग में, जैसा कि ये बहुत बड़े होते हैं साइज में, तो सबसे कॉमन सा क्वेश्चन यही होता है कि क्या ये ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं या ये बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि ये कितने फ्रेंडली डॉग्स होते हैं, एंड इवन टूवर्ड्स चाइल्ड ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होते हैं और बहुत ही पोलाइटली रहते हैं। बट इन केस ऑफ अदर एनिमल्स जिनसे ये फैमिलियर नहीं होते हैं, दे आर नॉट एट ऑल, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक डिपेंड करती हैं कि ये किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किन चीज़ों से ये फैमिलियर हैं, इन सब चीज़ों पे ये सब बहुत डिपेंड करता है। तो अब बात आती है इनके खाने की, तो ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम दूध रोटी, अ बजट फ्रेंडली फूड, और कभी कभी अंडे, और वेरी रेयरली वंस इन अ मंथ चिकन, और ऑफ कोर्स देयर रेगुलर फूड पेडिग्री। तो एक जो और बहुत कॉमन सा सवाल आता है सबके माइंड में, वो है इनको रहने से लेकर, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, तो ये एक कॉमन सा सवाल हर किसी के दिमाग में आता ही है। तो मेरे यहाँ ये है एक सेपरेट जगह टार्जन के लिए, तो अभी तो ये साफ और ऐसा दिख रहा है क्योंकि अभी गर्मी आ गई है, पर कुछ टाइम पहले ये कुछ ऐसा दिखता था। क्योंकि ठंड काफ़ी हो जाती है तो ऐसे पैरा डाल देते हैं और बिस्तर लगा देते हैं इसे ठंड से बचाने के लिए। तो वैसे आप इन्हें अपने रूम में फैमिली के साथ रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, पर एक अलग से रूम होना काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे कोई फैमिली गैदरिंग हो, कोई इवेंट हो, तो उस टाइम एक अलग रूम काफ़ी सही रहता है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये गर्मियों में ज़्यादातर रूम में ही रहता है और ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि टूवर्ड्स फैमिली मेम्बर ये बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही पोलाइटली रहते हैं, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो शायद व्लॉग ही हो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।